हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट आकाश में। दोस्तों, सिखाना मेरा काम और सीखना आपका काम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि मैं आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, फिर भी चलो बता ही देता हूँ। तो मैं आज की वीडियो में आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि मेरा थंबनेल एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, एकदम इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरा थंबनेल, ऐसा कुछ इस प्रकार का आपको बनाना सिखाऊंगा मैं थंबनेल। तो आप ऐसा थंबनेल चुटकियों में बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट से पिक्सल ऐप के अंदर। तो दोस्तों, अगर मेरे आप चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते चलते मोबाइल स्क्रीन पे और चलते हैं बताते हैं पिक्सल ऐप में थंबनेल कैसे बनाया जाता है प्रोफेशनल एकदम। तो जैसे कि मेरा थंबनेल ऐसे कुछ आपको सिखाने वाला हूं, चलिए लेट्स प्ले। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अब क्या करते हैं, अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों। उसका नाम है पिक्सल ऐप दोस्तों का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे मोबाइल फ़ोन में पहले से है पिक्सल ऐप, तो इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद में इसको कर देते हैं कैंसिल। उसके बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर कोने में 3 डॉट पर जाना है, इमेज साइज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आपको चैनल का बैनर बनाना है यूट्यूब चैनल का, तो बैनर पे क्लिक करिए। चलिए, मुझे थंबनेल बनाना है और मैं आपको सिखाऊंगा भी यही, तो वो यूट्यूब थंबनेल पे इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसको ओके करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है हमारे वीडियो का थंबनेल का साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल टैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, मैं यहाँ से कोई कलर अच्छा से बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए, मैं कुछ इस प्रकार का अपने बैकग्राउंड का कलर रखता हूँ यहाँ पे। कलर रखने के बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इंपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है गैलरी जैसा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक बैकग्राउंड रिमूव आपका फ़ोटो होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो। तो दोस्तों, इसके एक वेबसाइट है मेरे पास remove.bg, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप अपने जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो 2 सेकंड में हटा सकते हैं एक क्लिक में। जी हाँ दोस्तों, तो आप हटा लीजिए। तो चलिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड हटा हुआ है तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब करना क्या है, इसको जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। चलिए, मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद में आपको करना क्या है, इधर जाना है और आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है, ऑन कर देना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको जाना है शैडो वाले ऑप्शन पर, उसको शैडो को भी ऑन कर देना है। काले कलर के यहाँ पे शैडो लगाना है हमारे पीछे फोटो के, देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ ए वाले ऑप्शन पर जाना है और एक टैग यहाँ पर ले लेना है। टैग लेने के बाद इस पर डबल टैप करना है और यहाँ पर टैप ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है हाउ टू, सिर्फ इतना लिखना है आपको और फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में अब आपको करना क्या है, थोड़ी सी इधर चलना है। इधर चलने के बाद आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन क्लिक करके और यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, मैं ये कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद में सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद में अब आपको करना क्या है, थोड़ी सी आगे और करना है और बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो सिंपली मैं इसको बैकग्राउंड ले लेता हूँ उसका। चलिए, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, कोई अच्छा सा कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, मैं येलो कलर रखूँगा, यहाँ पे येलो कलर रखूँगा और इसका जो है इधर आ जाएंगे और इसका टेक्स्ट का कलर जो है चेंज कर देंगे हम, ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद में देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम दाएँ बाएँ से और नीचे से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देख सकते हैं बड़ा हो गया है फ्रेंड्स ये। अब आपको करना क्या है, अब इधर आना है आपको और थोड़ा इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देना है। चलिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और आपको कुछ इस तरीके से रखना है, आपको कुछ इस तरीके से ये रखना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसका। अब बड़ा करने के बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डन कर देना है और इसको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको करना क्या है, बीच वाले ऑप्शन पे आ जाना है और ड्रॉ का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम जो बैकग्राउंड का कलर है सिंपली वो ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए, मैं पीला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो फिर इनसाइड ये है इसको इनेबल कर लेना है। अब आपको करना क्या है, इनेबल करने के बाद में अब आपको धीरे धीरे ये बैकग्राउंड के बराबर से ऐसे उंगली से ऐसे कर देना है कुछ इस प्रकार से। चलिए, मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको सिंपली बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए, जितना आपको पसंद आए
आप कर सकते हैं। चलिए मैं फ़िलहाल तो इतना रखूँगा क्योंकि आपको बता रहा हूँ वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही रखूँगा कुछ। उसके बाद में आपको करना क्या, फिर से ए वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर दूसरा टेक्स्ट ले लेना है। यहाँ पर फिर से डबल टैप करना है। अब हमने क्या लिखा था, हाउ टू मैक, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब पहले लिख दिया हमने हाउ टू मैक, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोफेशनल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोफेशनल हाउ टू, तो प्रोफेशनल दोस्तों हम बाद में लिखेंगे, अभी रह गया है हमारा मेक, हाउ टू मेक। तो सिंपली इसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद में अब दोबारा आपको वही करना है, यहाँ से फिर से फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी फॉन्ट। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और कोई सही सा कलर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बड़ा करेंगे और दाएं बाएं से दोनों तरफ से बड़ा करेंगे और नीचे से भी थोड़ा बड़ा करेंगे। तो आपको कुछ ऐसे ही कर लेना है। चलिए मैं बड़ा कर लेता हूँ उसके, इसके बाद जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, जो आज देखने में अच्छा लगे। चलिए मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया है तो और थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अब उसको उसके बाद में करना क्या है, आपको दोबारा जो बीच वाला ऑप्शन है उसके बाद ड्रॉ पे जाना है और फिर से कोई करना है। अब इसी बैकग्राउंड के कलर का आप कलर सेलेक्ट करिए, यहाँ पे फिर साइड पे क्लिक करिए और फिर से आपको वो ही करना है जो मैंने पहले करा था। चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये ऐसे कर देते हैं उंगली से। देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे आपको करना है। तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको अब फिर से आपको ए वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर से दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब डबल टैप करने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल। तो चलिए मैं यहाँ पे थंबनेल लिख लेता हूँ, थंबनेल, और फिर से ओके करेंगे और फिर से आपको यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करना है कोई सही सा। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बार। और ध्यान रखें दोस्तों हर बार आपको अलग फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं। अब इसके बाद में आप फिर से आपको वही करना है, बैकग्राउंड लेना है यहाँ पे और कलर अपने मनपसंद रख लेना है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे ये पिंक कलर रख लेता हूँ। उसके बाद में आपको फिर से बैकग्राउंड बड़ा करना है थोड़ा, चारों तरफ से ऊपर नीचे से सब तरफ से बड़ा करना है थोड़ा थोड़ा। चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद में इसको एडजस्ट कर देंगे हम लोग, एडजस्ट करने के बाद में थोड़ा इसका साइज बढ़ा देंगे। चलिए मैं बढ़ा देता हूँ इसका साइज, तो देख सकते हैं बढ़ गया इसका साइज। अब आपको फिर से वो ही अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करनी है। आप फिर से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है और उसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद में आपको फर्स्ट ऑप्शन ऑन कर देना है यहाँ पे और फिर से वो ही यहाँ पे वर्क करना है जो मैंने पहले करा था। चलिए इसको उंगली से कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं आप कुछ आपको भी इसी प्रकार से करना है। तो मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप सही से करिए धीमे धीमे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा सही, अच्छा और एकदम प्रोफेशनल थंबनेल लग रहा है। तो दोस्तों आप जब भी थंबनेल बनाइए तो उसमें ज़्यादा कुछ मत लिखिए, बस इतना लिखिए जितना कि आप वीडियो में बता रहे हैं, उससे फालतू कुछ भी नहीं लिखिए। क्योंकि थोड़ा ऐसे ज़्यादा हम कुछ लिख देते हैं तो वो थंबनेल समझ में नहीं आता और जो ऑडियंस है हमारे थंबनेल को मतलब वीडियो को क्लिक नहीं कर पाती। दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा मैंने कुछ जल्दी जल्दी में बना दिया है, आप बनाओगे तो और ज़्यादा सही से बनाओगे। तो कुछ ऐसा थंबनेल आपसे बनाना आ गया होगा, आपको वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।